सोमू आप सुन पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है और शायद यहाँ पुलिस और रामकेश मीणा के बीच यहाँ समझाइश की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है, जिस तरीके से विरोध करा रहे हैं तो मामला शांत कराने की कोशिश पुलिस की टीम करने के लिए पहुंची हुई है। क्या पुलिस की टीम कह रही है और क्या जवाब में कह रहे हैं रामकेश मीणा, ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये मौके का सूरत हाल क्या है, तस्वीरें दो आपके सामने हम रख रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं ये। तो दिलावर के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना भी था, छोड़ गए बिल्कुल, भाग गए ना, कहाँ है अभी मदन दिलावर जी को ढूंढ रहे हैं, हमारे सारे लोग सैकड़ों लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मदन दिलावर जी, छोड़ वो आए, अगर वो नहीं आएंगे विधानसभा में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा हमारे सामने। अब पुलिस को भारी जाब्ता पुलिस का कर दिया है और पुलिस के भी, पुलिस से भी हम कमिश्नर साहब से ये अनुरोध करेंगे, हम तो केवल सैंपल देने के लिए आए हैं, वो सैंपल अगर वो यहाँ करके ले ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ नहीं आते तो हम वहाँ जा करके दे देंगे, हमें जाने दिया जाए, हमारे ये जाने दिया जाए हमको, कमिश्नर साहब से मेरा अनुरोध है हमें आगे जाने दिया। तो कह रहे हैं कि हमें आने दिया जाए, हम सैंपल देने के लिए आए हैं, मदन दिलावर को जिन्होंने ये बयान दिया था कि डीएनए सैंपल की इनकी जांच करा लीजिए, ये कमेंट किया गया था दिलावर की ओर से और उसी बयान पर अब बवाल लगातार थम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आप देख पाएंगे कि समझाइश की कोशिश भी यहां पर की जा रही है, लेकिन कह रहे हैं राजकुमार रोध, रामकेश मीणा और तमाम जो कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये विरोध जारी रहेगा, चाहे राष्ट्रीय स्तर तक इस विरोध को लेकर हमें जाना पड़े। ये कह रहे हैं राजकुमार रोत, रामकेश मीणा और तमाम कार्यकर्ता जो कि लिए मौजूद हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए। तो मदन दिलावर के बयान का लगातार विरोध कर रहे हैं राजकुमार रोत, हैं सांसद बाप पार्टी से, जब डीएनए सैंपल देने के लिए पहुंचे दिलावर की आवाज पर, उससे पहले जब पुलिस की टीम ने उन्हें रोका, विरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद रहे, उन्होंने बातचीत की उनसे, क्या उन्होंने कहा जरा सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दिए बयान पर विवाद तो मचा हुआ ही है, आज बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत उनके सरकारी आवास पे जा रहे हैं, क्या विरोध जता रहे हैं आप? मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय को लेकर जो बयान दिया है वो भद्दा बयान है और इस तरह का बयान देश लेवल पे आज तक किसी ने बयान नहीं दिया गया है, उस बयान का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पूरे आदिवासी समुदाय में आक्रोश से, मैं आदिवासी समुदाय से एक सांसद के रूप में आता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे समुदाय की बात को आगे ले जाऊं, इस विरोध प्रदर्शन को मैं आगे ले जाऊं। और उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट कराएंगे तो हम उनके डीएनए टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, मदन दिलावर जी उनको जिस तरह से डीएनए टेस्ट कराना वो हमारा डीएनए टेस्ट कराएं। क्या 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 करेंगे वहां पर, क्या सैंपल देने वाले हैं आप लोग? एक बार पहुंच रहे हैं, उनको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है, हम तो खून चाहिए तो खून देने के लिए तैयार है, बाल चाहिए तो बाल देने के लिए तैयार है, जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है डीएनए टेस्ट के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जो है वो सर्वश्रेष्ठ समाज है हिंदू धर्म में, उन्होंने बाद में अपने बयान को वापस भी लिया, दोहराया भी, मतलब ये साफ किया, गाली दे के अगर कहे कि मैंने गलती से बोल दिया या ऐसा बोल दिया, बात को पलट दे, किसी को प्यार से कह दे, गाली दे दे और बाद में कह दे तू सर्वश्रेष्ठ, ऐसा थोड़ी जमेगा। वो पद से इस्तीफा दे और माफी मांगे कि मैं आदिवासी समुदाय से, मेरे से गलती होगी, मैं आदिवासी समुदाय से माफी मांगता हूं और जिम्मेदारी अगर महसूस करते हैं तो वो इस तरह से गिल्टी फील करके उस पद से इस्तीफा दे। तो साफ तौर पे विरोध यहाँ पर जताने के लिए बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत सरकारी आवास से पहुंच रहे हैं मदन दिलावर के, देखते हैं वहां पर किस प्रकार की क्या कुछ गतिविधियां होती हैं। तो यहाँ पर सुनते हुए आप राजकुमार रोत को, जब एनडीटीवी राजस्थान के संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, क्या उन्होंने कहा है इस दौरान वो आपने जाना, और विरोध दर्ज करा रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं और बवाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं, अब दिलावर माफी मांगेंगे, ये एक सवाल हो चला है और आगे क्या इनकी रणनीति रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगी तो ये विरोध आगे बढ़ेगा, ये अब थमने वाला नहीं है।